राजघरानों की धरती राजस्थान में किले, महल, राजा रानियों की यादें सबसे ज्यादा है। और इन सब के अलावा एक और चीज है जिसके लिए यह राज्य मशहूर है, और वो है यहाँ के धार्मिक स्थल। अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान कर रहे हो ही नहीं सकता कि आप धार्मिक स्थलों का विजिट ना करें। राजस्थान में कई धार्मिक स्थल हैं और इनमें से कुछ हाल ही में ही बने हैं, जबकि कुछ का निर्माण बहुत पहले हुआ था। यहाँ तक कि 19वीं सदी के आसपास यहाँ के मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। और अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो आपको इन मंदिरों की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ जरूर जाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान के ऐसे प्रमुख 10 मंदिर बताने वाला हूँ, जहाँ पर अगर आप राजस्थान जाते हैं तो इन मंदिर को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, जो कि पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नंबर 10 आता है बिड़ला मंदिर जयपुर। बिड़ला मंदिर जयपुर सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। मोती डूंगरी के पहाड़ों में स्थित इस मंदिर में 3 गुंबद है। शाम के समय रोशनी की वजह से मंदिर शानदार दिखता है। बात करें यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय की, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहां जा सकते हैं। और बात करें मंदिर के खुलने और बंद होने के समय की, तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जो है वो मंदिर खुला रहता है। इसके बाद दोपहर 3 से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9, गलताजी मंदिर। बंदर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला गलताजी मंदिर राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और यह भी जयपुर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। अरावली की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर से आप कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला आकर्षक है। आप इस मंदिर में पवित्र जल के कुंड पा सकते हैं और प्रत्येक कुंड का पानी बिल्कुल साफ है। दीवारों पर की गई पेंटिंग काबिले तारीफ है। बात करें यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय की, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च के अंदर जो है वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एक लिंगजी मंदिर उदयपुर। अगर आप विभिन्न प्रकार की वास्तुकला को देखने के शौकीन हैं, तो आप एक लिंगजी मंदिर की वास्तुकला से प्रभावित होंगे। इंदर सागर जिले के किनारे स्थित यह सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो भगवान एकलिंग जी को समर्पित है। यह मुख्य देवता भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए आप यहां सोमवार को बहुत सारे अनुष्ठान होते हुए देख सकते हैं। मंदिर का सबसे अच्छा पक्ष देखने के लिए आप महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर जा सकते हैं। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी वास्तुकला बीते युग के बारे में बहुत कुछ कहती है। और इसको यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय की अगर हम बात करें तो फरवरी और मार्च रहने वाला है। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। पुष्कर झील के पास स्थित ब्रह्मा मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है और 2000 साल से भी अधिक ज़्यादा पुराना है। आपको यहाँ देवी सरस्वती की कुछ मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा समय पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने यहाँ एक यज्ञ किया था। बाद में उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर की मीनार को दूर से देखा जा सकता है। यहाँ पर यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम समय की बात करें तो आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। करणी माता मंदिर बीकानेर। करणी माता मंदिर बीकानेर में स्थित है और देवी माता करणी को समर्पित है। यह मंदिर न केवल 20वीं शताब्दी में निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि चूहों को खिलाने की रस्म के कारण भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ प्रतिदिन 20,000 से अधिक चूहों को दूध पिलाते हुए देख पाएंगे। पर्यटक और भक्त इस मंदिर में आते हैं और फर्श पर दूध के कटोरे रखते हैं, जिसे चूहों को पिलाया जाता है। आप अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में यहां पर आ सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू से घूमने के लिए नज़दीकी जगहों में से एक है। विपुल शाह और वास्तुपाल तेजपाल ने 11वीं और 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अपनी वास्तुकला के कारण यह दुनिया के सबसे खूबसूरत जैन मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर संगमरमर से की गई जटिल नक्काशी शानदार दिखती है। यहाँ पर आने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से लेकर फरवरी है। जैन मंदिर रणकपुर। यह देश के सबसे अनोखे और खूबसूरत जैन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हर स्तंभ अनोखा है और बहुत ही शानदार तरीके से गढ़ा गया है। 48,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले इस मंदिर में आप जैन धर्म के इतिहास से पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की 6 फीट ऊंची प्रतिमा देख पाएंगे। मंदिर में प्रवेश करते समय आपको अपने मोबाइल फोन या कैमरे के लिए चार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में आप यहां पर आ सकते हैं। अंबिका माता मंदिर उदयपुर।
इस मंदिर की नक्काशी खजुराहो मंदिर से काफ़ी मिलती है और पुरातत्व विभाग द्वारा देखभाल किए जाने वाले इस मंदिर में मुख्य रूप से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आप इस मंदिर में संगीतकारों, नर्तकियों और कलाकारों की कई मूर्तियां देख पाएंगे। बात करें सर्वोत्तम समय की तो नवंबर से लेकर मार्च तक जो है वो यात्रा के लिए सही समय रहने वाला है। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी धाम। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान हनुमान को समर्पित इस मंदिर में पुजारी कुछ अनुष्ठान उपचार पद्धतियाँ करते हैं। इसे कई लोग भारत में सबसे प्रसिद्ध स्थल भी मानते हैं, जहां भूत प्रेत से मुक्ति दिलाई जाती है। बात करें यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय की तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में यहां पर विजिट कर सकते हैं। नंबर एक, जहरवीर गोगा जी मंदिर गोगामेड़ी। यह मंदिर हरियाणा की सीमा से सटे हुए हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी शहर के अंदर पड़ता है और वैसे तो यहाँ पर 12 माह के अंदर लगातार जो हैं वो भक्तजन आते रहते हैं, लेकिन अगस्त सितंबर के अंदर भादो माह के अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा भक्तजन आपको लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं। जहाँ पर जहरवीर गोगा जी का समाधि स्थल है, इसके अलावा यहाँ पर गोरखटीला धाम के अंदर भी भक्तजन जाते हैं और वहाँ पर धूना वगैरह करते हैं। गोगा जी मंदिर और गोरखटीला की अलग से मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और ऐसे ही अलग अलग जगहों की जानकारियाँ पाने के लिए और हमारे साथ घूमने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जगह पर।